दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हेल्थ से जुड़े ऐसे कई फायदे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। बता दें आपको कि आज हम बात करने जा रहे हैं पालक के बारे में। आप अपने खाने में ऐसी कई सब्जियों का उपयोग करते होंगे जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। वहीं इन्हीं में से एक है पालक की सब्जी। पालक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। वहीं आपको ये भी बता दें, हाल ही में एक रिसर्च किया गया जिसके मुताबिक सामने आया कि पालक आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने से लेकर वेट लूज करने में भी काफ़ी मदद करता है। और वहीं इस फूड को माना गया सुपर फूड। दरअसल पालक का इस्तेमाल आप कई प्रकार के व्यंजनों को बनाने में करते हैं और ये व्यंजन पालक के इस्तेमाल से काफ़ी टेस्टी भी हो जाते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पालक से बने व्यंजन के तौर पर उबले हुए हल्के से आम, नाइजीरियाई सूप स्टोज में पकाकर उपयोग किया जाता है। ऐसे में पालक को सलाद, जूस, स्मूदी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक के ऊपर जब रिसर्च किया गया तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। पालक में जिस पोषक तत्व की मौजूदगी होती है उसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। तो वहीं सुपरफूड के तौर पर ये आपको कितने फ़ायदे देता है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि पालक में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। पालक में अल्फा लिनोलेनिक एसिड का मुख्य रूप से पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसके अलावा जो पालक में स्टीरियोडोनिक एसिड पाया जाता है जो कि शरीर में सूजन को कंट्रोल करता है, और एंटी इन्फ्लामेंट्री मैसेजिंग मॉलिक्यूल ओमेगा 3 फैटी एसिड से ही बनते हैं। इसके अलावा पालक में कई ऐसे गुण होते हैं जो कि मोटापे को कम करने में आपकी सहायता करते हैं। पालक में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण ये हरा दिखता है। क्लोरोप्लास्ट के रूप में जानी जाने वाली क्लोरोफिल पालक की कोशिकाओं की झिल्ली में मौजूद होते हैं। सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्व और क्लोरोफिल मिलकर क्लोरोप्लास्ट में ऊर्जा में बदल जाते हैं जो कि आपकी भूख को कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता करते हैं। और साथ ही साथ इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। वहीं अब बात करते हैं कैरोटीनॉइड की। पालक में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लामेंट्री फाइटो न्यूट्रिएंट्स की दूसरी श्रेणी को कैरोटीनॉइड के रूप में जाना जाता है, और इनकी मदद से इसमें कई सारे पोषक तत्व गुण मौजूद होने की वजह से आपको तमाम फायदे मिल जाते हैं। वहीं पालक में मौजूद होता है फ्लेवोनॉइड्स। पालक में जिन पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है उनमें फ्लेवोनॉइड्स एक है। साथ ही पालक में ग्लूकोनाइड और ग्लूकोपरानॉक्साइड्स पोषक तत्वों की मौजूदगी होती है। ऐसे में ये भी आपको भरपूर फायदे देते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर बात की जाए पालक की, तो पालक को आप भोजन में, सलाद में, साइड डिशेज में, स्मूदी और जूस के तौर पर उपयोग में ला सकते हैं। यदि आप हफ्ते में 5 से 6 बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। पालक में मौजूद ये पोषक तत्व आपको कई सारे फायदे देंगे। डायबिटीज कंट्रोल करेंगे तो साथ ही साथ आपका वेट भी लूज करेंगे। यदि आप भी इन तमाम बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द पालक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्यूरेन हेल्थ डेस्क से प्रांशी की रिपोर्ट।